अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है वो फिजिकल या इनऑर्गेनिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हरेक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक के अंदर इंटरमिक्स होता है, मतलब हरेक टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी एक टॉपिक के अंदर दूसरे टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है, तो उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रिकी हो जाती है। और ट्रिकी होने के पीछे क्या होगा, उसका क्या होगा राज, क्या होगा उसमें, हम डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक होते हैं, जो भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन होंगे, वो किसी भी टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। एक बिल्कुल अगर सिस्टमेटिक वे से अगर चलोगे तो उसका आप इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा सिस्टमेटिक वे से अगर आप चलोगे तो इजीली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लोगे, तो उसमें सबसे फंडामेंटल टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो जीओसी पढ़ोगे। सबसे जो पहला टॉपिक आप पढ़ोगे वो क्या होगा, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक होता है, हर एक टॉपिक के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके क्वेश्चन इस जीओसी की वजह से डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हो, हायर एजुकेशन जैम नेट गेट की जब तैयारी करते हो, आप एमएससी पर पहुंचते हो, तो वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके पैरलर में ही आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, ऑर्गेनिक सीखना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके जो पैरलर में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके पैरलर में ही अगर हम बात करें जीओसी में क्या होगा, जीओसी में आपको एक बेस तैयार करवाया जाएगा जिसमें जो भी बेसिक चीजें होंगी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एरोमेटिक कौन होता है, नॉन एरोमेटिक कौन होता है, ये आपको कहानी एक बेसिक चीजें, मतलब एक रिएक्शन की शुरुआत करने के लिए आपको एक बेस तैयार करवाया जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जीओसी बोल दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम जीओसी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको यहां इंटरमीडिएट की शुरुआत करनी होगी, इंटरमीडिएट सीखना होगा, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। एक क्या होगा आपके पास, रिएक्टेंट के साथ साथ क्या होगा, एक क्या होगा रिएक्टेंट होगा प्लस में एक रिएजेंट होगा, और रिएजेंट होगा, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर क्या होगी, कुछ ना कुछ कोई कंडीशन होगी, टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है, कोई भी रिएक्शन होगी तो प्रेशर की कंडीशन हो सकती है या कोई सॉल्वेंट की कोई कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर रिएक्शन के साथ क्या होती है, कंडीशन होंगी, कुछ भी जो भी टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन होंगी, सिंपली वो कंडीशन होंगी। और बनेगा क्या, यहां पर बनेगा आपका एक इंटरमीडिएट का, क्योंकि जब भी हम आयनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें काफी सारी रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो यहां क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। तो अगर मुझे एक रिएक्शन सीखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सीखने वाले हैं, यहां पर रिएक्शन सीखने वाले हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर इंटरमीडिएट के बारे में मुझे अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैं रिएक्शन नहीं सीख सकता हूं। इसका मतलब अगर मुझे रिएक्शन सीखना है तो इंटरमीडिएट के बारे में भी मुझे डीप डेप्थ में क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। तो जैसे ही आपका जीओसी खत्म होता है उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए क्या, इंटरमीडिएट। तो यहां से उसके बाद यहां से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पढ़ना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंदर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, यहां पर क्या पढ़ना हो आपको पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, यहां इसके फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसको कैसे फॉर्म हुआ होगा, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता चल जाए। तो यहां से उसके फॉर्मेशन के भी बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा, हमें उसके प्रोडक्ट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि उस इंटरमीडिएट से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्योंकि ताकि हमारे लिए जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इस इंटरमीडिएट के बाद जब आगे चल के जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा मुझे आइडिया जरूर होना चाहिए कि उस इंटरमीडिएट से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर ये चीजें मुझे इंटरमीडिएट के बारे में आइडिया लग जाता है तो मैं इजीली, मेरे लिए रिएक्शंस को समझना आसान हो जाता है।
अगर ये बातें भी मैं इंटरमीडिएट कवर कर लेता हूं, उसके बाद आपको डिटेल में बेसिक जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सब आपको इजीली आपको समझ में आने लग जाएंगी और वहां से अब आप रिएक्शन की शुरुआत कर सकते हो अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है तो। तो यहां से तीसरा आपके पास क्या आता है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक रिएक्शन की यहां पर रिएक्टेंट क्या होता है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा होमो है, कौन सा लूमो है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आपको कौन बताएगा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसमें आपको एडिशन रिएक्शन आप पढ़ते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ते हो, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये सभी रिएक्शंस आप पढ़ते हो, यहां से आपको एक बेसिक चीजों का, रिएक्शन की बेसिक चीजों के बारे में आइडिया लगता है। अगर आप इन पोर्शन को कवर कर लेते हो तो उसके बाद आप किसी भी टॉपिक में फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक हार्ड लगती है वो इसीलिए लगती है क्योंकि वो एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, वो रिएक्शन की शुरुआत से नहीं चलते कि किस किस चीज की हमें समझने की रिक्वायरमेंट है, वो स्टार्ट करने लग जाते हैं डायरेक्ट रिएजेंट, उनको ये सब चीजें आती नहीं, तो तभी उसकी क्या होती है, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर मुझे इन चीजों के बारे में अगर पता चल जाएगा तब मैं यहां पर इजीली रिएक्शंस को समझ सकता हूं। तो ये उसके बाद आपके पास यहां आप रिएजेंट भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप रिएजेंट पढ़ सकते हो कि रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट में क्या पता होना चाहिए कि कोई भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका कन्वर्जन, जैसे कहा जाए अल्कोहल से कीटोन बनाना है तो आपके दिमाग में आएगा रिएजेंट कौन सा होगा, या कीटोन से अल्कोहल जाना है तो कौन सा रिएजेंट होगा, या मान लो कोई बेंजीन है उसको रिड्यूस करना है तो कैसे जाएंगे, तो वो कौन सा रिएजेंट की जरूरत होगी। इसका मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको कन्वर्जन के लिए मुझे रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से आप जैसे मेरे पास यहां सिंपली अल्कोहल से अगर मुझे यहां एल्डिहाइड में जाना है या एसिड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो इन फंक्शनल ग्रुप के कन्वर्जन के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, रिएजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेम रिएक्शन पढ़ सकते हो आप, नेम रिएक्शन, अगर नेम रिएक्शंस की बात करें तो जैसे आपने पढ़ी होगी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपके पास क्या होगा कीटो और होता है और क्या होता है इनोलेट आयन हो गया, यहां से इनोल या इनोलेट आयन ले लेते हो और तब क्या करवाते हैं रिएक्शंस करवा देते हो। इन बेसिक मीडियम में जैसे आप NaOH ले लिया तो ये रिएक्शन चलती है ना यहां से आगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये सिंपली नेम रिएक्शंस फिर आप आगे चल के पढ़ सकते हो। वो नेम रिएक्शंस आपकी कोई भी एनायन की नेम रिएक्शंस हो सकती है, केटायन भी बन सकता है उसमें, कोई भी रिएक्शंस हो सकती है नेम रिएक्शंस में। उसके बाद आप यहां पर आगे चल के पेरीसाइक्लिक पढ़ सकते हो, पेरीसाइक्लिक जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं वो या तो आयनिक रिएक्शंस होती हैं या फिर रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, और पेरीसाइक्लिक में जो हम बात करते हैं उसमें आपको होमोलूमो अप्रोच से बात करना होता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे उनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी अलग होती है यहां से पेरीसाइक्लिक से ऑर्गेनिक से, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इस पेरीसाइक्लिक के अंदर जीओसी यूज नहीं करवाएगा, रिएजेंट यूज नहीं करवाएगा या नेम रिएक्शन यूज नहीं करवाएगा, सब कुछ यूज करवाएगा। जैसे जैसे आप नेट में पढ़ते हो, गेट का टेस्ट देते हो, जैम करते हो, तो उनमें सभी में क्या करवाएगा, ये सारी चीजें यूज करवा लेगा इस पेरीसाइक्लिक में। तो यहां पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आपको ये थोड़ी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, ये एफएमओ अप्रोच से जाती है, एफएमओ अप्रोच से जाती है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहां पर इस क्या होगा आपका एफएमओ अप्रोच। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसमें जीओसी के कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किए जाते हैं, आपके पास बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंक्लूड कर दी जाएगी, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ करवाऊंगा मैं कि कैसे कैसे चीजों को इंक्लूड किया जाता है, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। बेसिक रिएक्शन नेम रिएक्शन को भी इंक्लूड कर लेता है,
नेम रिएक्शन को भी इंक्लूड कर लेता है, कोई इंटरमीडिएट की रिएक्शंस को भी इंक्लूड करवा सकता है, आपके पास सारी चीजें इस पेरिसाइक्लिक के अंदर यूज करवा सकता है। एक एक चीजें एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन को किस तरह से आपको आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, तो उन सभी बातों को डिस्कस करूंगा। मैं पेरिसाइक्लिक को भी स्टार्ट करने वाला हूं इसी रिवोल्यूशन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहां पेरिसाइक्लिक भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद जो भी छोटे टॉपिक बच गए उनको पढ़ सकते हो, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, आपके पास इनको पढ़ सकते हो। और लास्ट जो टॉपिक होता है वो आपका होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसी अननोन कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाती है। तो यहां पर आप क्या पढ़ सकते हो, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक पढ़ सकते हो, जितने भी छोटे टॉपिक रह गए हैं हेट्रोसाइक्लिक पढ़ सकते हो, उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हो, और आपके पास बायोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हो, और लास्ट में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो, इसमें एक अननोन कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। मैं कोशिश की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस सिंपल वे में कौन से टॉपिक को कब पढ़ना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग।